जी जनाब, कंटिन्यू करते हैं जी। कैफ की प्लानिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कैफ की प्लानिंग कैसे उनको करनी चाहिए और उनको किस तरीके से पेपर उठाने चाहिए। अब इस वक्त जो मेरी ऑडियंस है वो डिफरेंट तरह की है। मैंने उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वन बाय वन मैं ये बताऊँ कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। नंबर वन इज वो स्टूडेंट्स जिनके सारे के सारे पीआरसी के जो एग्जाम्स हैं वो मई के अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो तमाम स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस दफा पीआरसी के एग्जाम्स दिए हैं और अगर वो पूरी उम्मीद है कि उनके पेपर पास हो जाएंगे तो फिर आपके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। देखिए, जब हम कोई स्ट्रेटेजी या कोई सजेशन देते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मुझे कहता है सर मुझे बताएं मैं क्या करूं, तो मैं उसे कहता हूं कि भाई आप सबसे पहले तो मुझे बताओ आप कौन हो, आप आपका माइंडसेट कैसा है, आपका आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, आप कितना पढ़ सकते हो, आपकी फैमिली के मामला कैसे हैं, आप मेंटली किसी प्रेशर में तो नहीं हो, यानी कि बहुत सारी चीजें मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि जब आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप कितना आउटपुट दे सकते हैं उस वक्त ये तमाम चीजों को कंसिडर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो जनरल गाइडेंस में जनरल सजेशन में आपको दे रहा हूं वो होगी कुछ खास स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ये कर लें और अगर आप थोड़े एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप ये कर लें। अच्छा, फिर क्या होता है जब मैं ये बात करता हूं तो फिर बच्चे हर बच्चा अपने आप को एक अच्छा स्टूडेंट कंसिडर करता है। कोई बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करते होंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम लोग हमेशा अपने आप को ओवर एग्जेजरेट कर रहे होते हैं और एग्जेजरेशन का शिकार होते हैं। तो मैं इस चीज के साथ कनेक्ट करूंगा कि आपने FSC में कितने मार्क्स हासिल किए थे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट जिन्होंने 80%+ FSC में मार्क्स हासिल किए थे, तो ये स्टूडेंट जो हैं इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैफ वन और कैफ फोर दोनों पेपर्स पढ़ना शुरू कर दें अभी से। ये दोनों पेपर्स बहुत इजीली तैयार किए जा सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो शुरू से ही अच्छा आउटपुट देते आए हैं। वो स्टूडेंट अब देखिए ना, इसमें अब आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बात हुई सर, ये तो हम तो मैं तो अभी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं बड़ा पुरअज़म हूं मेहनत करने के लिए। बट द थिंग इज के ये कोई एक या दो दिन की चीज नहीं होती कि आपने आज मेरी तकरीर सुनकर मोटिवेट हुए और आपने आज जो है ना वो सारा का सारा सिलेबस तैयार कर लिया। यू हैव टू बी मोटिवेटिव, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपने ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देनी है, अदरवाइज आप उस वक्त सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो जज्बाती होके जो है ना वो पेपर उठा लिए थे, अब मेरे से पेपर कवर नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े ध्यान से चलना है, इसमें गलत डिसीजन नहीं लेना, जिसमें जज्बातियों का डिसीजन नहीं लेना। कैफ के अगले 1-1.5 साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से इसमें परफॉर्म कर दिया तो आप समझिए कि आपका सीए की मेजोरिटी जर्नी जो है वो क्लियर हो जाएगी। आगे भी सीफैब के 8 पेपर्स हैं, लेकिन सीफैब के 8 पेपर्स और उस वक्त आपकी सिचुएशन, आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। कैफ में आपकी ऑल इन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपनी सारी कश्तियां जला दें और पूरी की पूरी मेहनत लगा दें कैफ के 8 पेपर पास करने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक, आपने रियलिस्टिक अप्रोच पे चलना है। और अगर आप 80%+ वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आप कैफ वन और कैफ फोर ले सकते हैं। और अगर आप अदर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके 80% से कम मार्क्स आए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक पेपर ले लें जो कैफ वन या कैफ टू होगा, इन दोनों में से कोई एक पेपर लिया जा सकता है। मेरी जो इंक्लिनेशन है वो कैफ वन की तरफ है, उसकी रीजन ये नहीं है कि मैं कैफ वन पढ़ाता हूँ, उसकी रीजन ये है कि आप ऑलरेडी कैफ वन के फर्स्ट लेवल का पेपर यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ चुके होते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है ना ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी एक पेपर के ऊपर फोकस करें, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और इस पेपर को पास करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप कैफ वन पास कर पाते हैं तो फिर आपके लिए आगे बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि कैफ वन आपको बेस प्रोवाइड करता है अगले बहुत सारे पेपर्स के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कहा कि दो कैटेगरीज हैं, उन स्टूडेंट की कैटेगरी को वन कैटेगरी कहते हैं जो 80%+ मार्क्स हासिल करते हैं, जिनके सारे के सारे पेपर उन्होंने दे दिए हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया,
लग रहे आपके पेपर पास हो जाएं, तो आपको आज से ही ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि आप पास हो गए हैं और आप इन दोनों में से किसी जिस एक कैटेगरी में फॉल करते हैं उस एक कैटेगरी के पेपर आगे उठाना शुरू कर दें। कोशिश करें कि आपने ये दोनों पेपर्स पास करें, और ये दोनों पेपर्स पास किए जा सकते हैं अगर आप वाकई 80% प्लस वाले स्टूडेंट हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप पेपर पास कर सकते हैं। जब ये पेपर आपके पास हो जाएंगे सितंबर की अटेम्प्ट में कैप वन कैप फोर, तो उसके बाद आपने मार्च की अटेम्प्ट के लिए जो पेपर्स पिक करने हैं वो आपने पिक करने हैं जनाब कैफ टू एंड कैफ थ्री, टैक्स और सीएमए। ये मार्च 2023 की अटेम्प्ट के लिए आपने पिक करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो तीन पेपर दे सकते हैं, तो हम तीन क्यों नहीं पिक कर रहे। आपने इंतहाई ध्यान से चलना है, कैफ टू और कैफ थ्री के पेपर्स पढ़ने हैं, पकड़ने हैं और उनको पढ़ना शुरू कर देना है तकरीबन एक से डेढ़ महीने में, यानी कि मई के अंदर जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपका कैफ वन और कैफ फोर पास हुआ है कि नहीं हुआ। देखें इन पेपर्स का रिजल्ट आते आते मई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी जब आपका इसका रिजल्ट आएगा जनवरी क्या ये जो नवंबर में रिजल्ट आता है, सॉरी ये सितंबर की अटेम्प्ट है तो नवंबर में रिजल्ट आएगा, तो जो नवंबर में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त आप डिसाइड कर लें कि अगर तो आपके ये दोनों पेपर कैफ वन और कैफ फोर पास हो जाते हैं तो फिर आप अगला पेपर उठा लें विच इज कैफ सेवन सी लॉ। सी लॉ का पेपर पोस्टल रिजल्ट में किया जा सकता है और ये बड़ा इजिली कवर किया जा सकता है क्योंकि आप ऑलरेडी कैफ फोर पढ़ चुके हैं बी लॉ, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत अप्रोच है और अगर आप इस अप्रोच पे चलेंगे तो इनशाला आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर्स ले लेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं या अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो कोई बात नहीं है, ये तो हम लोग मतलब ये है कि पेपर ही उठाना है ना, कोई भी पेपर रेंडमली उठा लेंगे और उसके ऊपर ये अप्रोच लगा लेंगे, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं जो सब्जेक्ट्स आपको बता रहा हूँ इनमें हर सब्जेक्ट की नेचर को सामने रखते हुए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने ये वाला पेपर लेना है और ये वाला पेपर उस वक्त लेना है जब आपका ये वाला पेपर पास हो जाए, इसके पीछे पूरी एक साइंस। और फिर मार्च अटेम्प्ट, मार्च 23 के अटेम्प्ट के बाद सितंबर 2023 के अटेम्प्ट में आप अपने रिमेनिंग पेपर्स ले सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपने सिर्फ एक पेपर लेना है जिसे हम कैफ वन कहते हैं, और मार्च की अटेम्प्ट के लिए आप ग्रुप ए के बाकी तीनों पेपर्स उठा लें और उसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करना शुरू करें, ठीक है जी। सो दिस इज द कैटेगरी नंबर वन उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सारे के सारे पीआरसी के पेपर्स दे दिए और उनके सारे के सारे पेपर्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने मेजॉरिटी पीआरसी के पेपर्स दे दिए हैं, जिन्होंने मेजॉरिटी पीआरसी के पेपर्स दे दिए हैं, कोई एक आध पेपर उनका रहता है। रहने से मुराद ये है कि जैसे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने दो अटेम्प्ट्स में पेपर देने हैं तो कुछ अटेम्प्ट्स में वो एक पेपर दे देते हैं, बाकी मतलब अगली अटेम्प्ट में कुछ और पेपर्स दे देते हैं। तो यहाँ तो आपका एक आध पेपर रहता है, ठीक है जी, आपका एक पेपर रहता है, यहाँ तो वो फेल हो गया है या भी आपने अपियर ही नहीं किया, तो फिर आपने क्या करना है। तो इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, वो स्टूडेंट जिनका पेंडिंग पेपर एक है और वो आईटीए है, आप लोग सिर्फ एक पेपर और अभी से उठा लें विच इज कैफ टू, आईटीए का पेपर ना उठाएं, फिर आप टेक्स्ट का पेपर पिक कर लें और सितंबर की अटेम्प्ट में सिर्फ एक पेपर दें कैफ टू, सही है। हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका मई की अटेम्प्ट के बाद भी एक पेपर रह जाता है, या तो उन्होंने दिया नहीं कभी भी या उन्होंने दिया और मई में फेल हो गया, तो वो जून की अटेम्प्ट में अपना वो वाला पेपर देंगे पीआरसी का और कैफ के अंदर से एक और सिर्फ एक पेपर उठा लें कैफ टू और उसको पास करें और उसको तैयार करने की कोशिश करें। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक पेपर रह गया है और वो पेपर कोई और है आईटीए नहीं है, तो फिर आप कैफ वन का पेपर उठा लें अभी से साथ में, तो आपके पास अब जो है ना वो दो पेपर्स हो जाएंगे, एक कैफ वन हो जाएगा और एक पीआरसी का वो पेपर हो जाएगा जो अभी आपने पास नहीं किया। ये दोनों पेपर आप साथ साथ में तैयार करते जाएं और साथ साथ में तैयार करते करते आप जून में अपना पीआरसी का पेपर दें और कैफ के अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। अच्छा, यहां पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे ही मैं ऐसे बच्चों की तरफ आया जिनका कोई एक आधा पेपर अभी पीआरसी का रहता है, मैंने दो से एक पेपर की सजेशन पे चला गया, मैंने कहा कि यार दो नहीं अब सिर्फ एक पाकिस्तान वाले काम पे चलो, और वो ये है कि आपने एक ही पेपर देना है, एक से ज्यादा पेपर्स नहीं देने। मैंने कहा कि अगर आपका आईटीए पास हुआ हुआ है तो फिर आप कैफ वन पकड़ लें, अगर आईटीए भी पास नहीं हुआ हुआ तो फिर कैफ वन भी पकड़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल मजीद हो जाएगी,
फिर आप कैफ टू पकड़ लें। लेकिन एक पेपर लें, क्योंकि अगर आप जून में पीआरसी का एग्जाम देते हैं तो फिर आपके पास वक्त कम रह जाएगा जिसमें आप एक पेपर ही तैयार कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि जून की जो अटेम्प्ट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप जून की अटेम्प्ट से फ्री होंगे, आई कैप की कैफ की अटेम्प्ट में अप्लाई करने के दिन नजदीक आ जाएंगे। आई कैप ये कहता है कि अगर आपने कैफ सितंबर अटेम्प्ट में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप 12-13 तारीख के आसपास होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता, लेकिन 12-13 तारीख के आसपास होता है। 12-13 जुलाई इज द डेट के जिस डेट तक आप अगर एडमिशन भिजवा देंगे तो फिर आप कैफ में अपियर हो सकते हैं, कैफ सितंबर की अटेम्प्ट में। तो लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि 12 जुलाई इज द डेट कि 12 जुलाई तक अगर आपने कैफ का एडमिशन भिजवा दिया तो फिर आप कैफ सितंबर अटेम्प्ट में अपियर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जून के अटेम्प्ट में पेपर पास ना किए और आप जुलाई के अटेम्प्ट में पीआरसी में चले गए तो फिर आप 12 जुलाई वाली डेट को पकड़ नहीं पाएंगे, फिर ये टाइम गुजर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ने अगर सितंबर अटेम्प्ट में अपियर होना है तो लाजमी तौर पे आपने जून की अटेम्प्ट में अपना कैफ क्लियर पीआरसी क्लियर करना है। अगर आपने सितंबर की अटेम्प्ट कैफ में अपियर होना है तो पीआरसी जून में लाजमी तौर पे क्लियर करना होगा। अगर आप जुलाई तक ले गए तो आपके पास आगे फिर कैफ में अप्लाई करने की डेट्स नहीं बचेंगी, अनलेस कि आई कैप आपके लिए स्पेसिफिकली कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर दे, जो कि अभी नहीं की हुई। अभी तक आई कैप ने ऐसी कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं की है। अभी से मुराद है 26 मई 2022 पे, जिस वक्त मैं ये सेशन करा रहा हूँ इस डेट पे, एज ऑफ नाउ आई कैप ने ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप जून की अटेम्प्ट में भी पीआरसी क्लियर ना कर पाए तो फिर आप सितंबर की कैफ की अटेम्प्ट में अपियर नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि हम कैफ का सिर्फ एक आध पेपर ही उठाएं और पीआरसी के पेपर के ऊपर फोकस करें, उसको पास करना डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाएगी, वरना आपके 3-4 महीने जाया हो जाएंगे। तो आई होप कि ये कैटेगरी भी आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। पहले मैंने बात की थी वो लोग जिनके सारे पेपर पास हो गए, वो ये ऊपर बात की हुई है। फिर मैंने बात की वो लोग जिनका एक पेपर रह गया है, वो लोग, अब मैं उन लोगों की बात करने लगा हूं जिनके मई अटेम्प्ट के बाद एक से ज्यादा पेपर्स रह गए हैं। आप लोग चुप करके अपने बाकी पीआरसी के पेपर्स की तैयारी करें और जून अटेम्प्ट में उनको पास करने की कोशिश करें। दो पेपर रहते हैं, तीन पेपर रहते हैं, जितने भी रहते हैं जून अटेम्प्ट में पास करने की उनको कोशिश करें। और जैसे ही आपका पेपर क्लियर हो जाए तो फिर आप लोग जुलाई में अप्लाई कर दें फॉर वन पेपर, और वो है जी कैफ फोर के पेपर को। फिर आपके लिए जो पेपर पकड़ा जा सकता है वो है कैफ 4, और कैफ 4 के डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेस बैजेस आप लोगों के लिए उस वक्त ऑफर किए जाएंगे। क्रैश कोर्सेज भी ऑफर किए जाएंगे जो के मतलब नॉर्मली इस सब्जेक्ट में किए जाते हैं। कैफ 4 कंटेंट वाइज बहुत इजी पेपर है और इसमें इतना सारा कंटेंट नहीं है। ये एक छोटा पेपर है जो कि मिनिमम टाइम में कवर किया जा सकता है। और आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ कि कैफ 4 अभी ये रिसेंट जो नई स्कीम आई है इसमें ये अलग अलग हो गए हैं दो पेपर। पहले ये एक ही पेपर होता था, कैफ 4 और कैफ 7, यानी कि बी लॉ और सी लॉ, ये दोनों मिला के एक ही पेपर हुआ करते थे 100 नंबर का। उसमें बच्चों के लिए पास होना मुश्किल था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली आधा पेपर है। जब तक आई कैप इसके कंटेंट्स को मुश्किल नहीं करता या जब तक आई कैप इसके कंटेंट्स में मजीद चीजें ऐड नहीं करता, उस वक्त तक कैफ 4 40 दिनों में बहुत इजीली तैयार किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि नई स्कीम में ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पहले ये सिंगल पेपर होता था। और दूसरी मजे की बात यह है कि जिस स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट में इस दफा मेरिट सर्टिफिकेट आया है, ये वो स्टूडेंट था जिसने एक्सप्रेस बैचेस के अंदर 40 दिनों के अंदर इस कोर्स की तैयारी की थी, ठीक है जी। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो कि नियर पीयर के हैं, आपको पता होगा कि नियर पीयर का जो मेरिट सर्टिफिकेट्स जो आए हैं इस दफा, बड़ी जबरदस्त इनकी आउटपुट रही है। इस साल में इनके टोटल 3 मेरिट सर्टिफिकेट अभी तक जो है ना वो हासिल कर चुके हैं। उसमें से एक मेरिट सर्टिफिकेट ये कैफ 4 का भी है, और कैफ 4
मैं जो स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट हासिल किया था उसने 40 डेज के अंदर एक्सप्रेस बैच में जो इसका क्रैश कोर्स भी जिसे हम कहते हैं उसमें तैयारी की थी। तो इसका ये मतलब है कि दिस पेपर कैन बी डन इजिली। अच्छा, मजे की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो है वो गिनती में आगे जाएंगे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपना सारा पीआरसी दिया है और वो अच्छे स्टूडेंट भी हैं जिनके बारे में मैंने 80% प्लस मार्क्स वाली कैटेगरी बताई थी। उसके अलावा हर बच्चे के लिए मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बताई है, वो पॉसिबल भी है, वो बहुत इजीली डूएबल है और उनमें सितंबर अटेम्प्ट में सारे बच्चे एक एक पेपर दे रहे हैं। ये वाले बच्चे भी एक पेपर दे रहे हैं, ये वाले बच्चे भी एक पेपर दे रहे हैं, ये वाले बच्चे भी एक पेपर दे रहे हैं और इवन पीआरसी में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 80% से कम मार्क्स हासिल किए थे अपने एफएससी के अंदर, मैं उनको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक पेपर दें, क्यों क्योंकि एक पेपर देने में पास होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जनाब ये एक ऐसी खूबसूरत अप्रोच मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जिसमें बच्चा जिस तरह का मर्जी हो उसका जो भी टाइम जाया हुआ है वो सितंबर की अटेम्प्ट में बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो इस जो सजेशन है इसके अंदर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या आप समझते हैं कि सर मैं जिस टाइप का स्टूडेंट हूँ मेरी तो बात नहीं की आपने, आप मुझे मैसेज सेंड कर दें कि सर मैंने फ्लॉट अटेम्प्ट में इतने पेपर दिए हैं, फ्लॉट अटेम्प्ट में इतने पेपर दिए हैं, मेरे इतने पेपर रहते हैं, मुझे बताएं मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, मैं वो बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है जी, 0333-474-8659। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप डायरेक्टली मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे अपनी गाइडेंस आप गाइडेंस ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपके पास नियर पियर का नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, नियर पियर के ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट करके एडमिशन की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी।